गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन की। तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमने शुरू में देखा था वो क्या होता है, कैसे होता है। तो 4+2 जो थी वो हमारी थर्मली अलाउड रिएक्शन होती थी और 2+2 जो होती थी वो हमारी फोटोकेमिकली अलाउड होती थी। ये ऐसा क्यों होता था इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूँ, इससे हम समझेंगे कि 2+2 रिएक्शन 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल है एकदम सिंपल सा, और 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है, यानी कि HNU कंडीशन में इसे चाहिए UV लाइट। तो अब ये बांड इस साइड मूव हो जाएगा और ये बांड इस साइड मूव होगा, यहाँ पर बनेगी एक 4 मेंबर्ड रिंग। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल। अब हम देखते हैं दूसरा, दूसरे में भी वही है, सिर्फ यहाँ पर CF2 लगा, ये बांड मूव तो वैसे ही होना है और ये भी ऐसे ही हो जाएगा। और फोटो का 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो भी हमारी वो होगी सारी फोटोकेमिकल कंडीशन में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CF2, यहाँ पर CF2 यहाँ पर वैसे ही है, यहाँ पर बस यहाँ पर CF2 था तो वो वैसे हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे में भी बांड का मूवमेंट वैसे ही कराना है, इसको हम इधर मूव करा दें और इसको हम इधर मूव करा दें, यहाँ पर बनेगी एक 4 मेंबर रिंग और यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। ये हो गया हमारा, ये बांड इधर मूव किया और ये इधर मूव किया तो ये बना, अब इसके इधर ये ऐसे ही लगा रहेगा। ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, इसमें भी वैसे ही होगा, ये इधर और ये इधर, तो इधर 4 मेंबर रिंग बनी, इधर हो जाएगा जो हमारा ग्रुप लगा हुआ उसको हम वैसे लगा देते हैं। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, अब हमें दिखानी है इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी, अभी तक जो हमने देखा उसे हम सीधे सीधे कर दिया, अब हम इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी दिखाएंगे कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होनी है। तो अब हम देखते हैं इसको, इस बांड को हम इस साइड मूव करेंगे और इस बांड को इस साइड, बीच में एक 4 मेंबर रिंग बनेगी और एक 4 मेंबर ये पहले से है और 6 मेंबर ये है। ये एक 4 मेंबर रिंग बनी, ये 4 मेंबर पहले से है और इधर है एक 6 मेंबर रिंग ये, और इसके ऊपर लगा हुआ डबल बॉन्ड ओ। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होनी है। तो अब इसमें ये एक हमारा ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, अब इसमें हम इसको ऐसे देखेंगे, इससे ये बाहर की साइड है, इससे ये इस ग्रुप से ये बाहर की साइड है और इधर ये अंदर की साइड, ये बाहर वाला जो उसको हम लिख देंगे बाहर ऊपर की साइड, बाहर की साइड मतलब इस ग्रुप से बाहर है, ये जो ग्रुप है इससे बाहर है, ये इसके बाहर है, तो इसको हम लिख देंगे ऊपर CO2ME। और अब इसको देखेंगे तो ये इसके अंदर की साइड है, तो ये वाला दोनों चला जाएगा नीचे, ये वाला ये हो जाएगा हमारा नीचे की साइड और यहाँ पर ये जो भी लगा हुआ ग्रुप होगा वो भी जाएगा नीचे। तो या फिर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इन दोनों को आप नीचे दिखा दें और इन दोनों को आप ऊपर दिखा दें, तो दोनों सही है, जो चाहें आप दिखा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें भी वही होगा जैसे हम करते हुए आए हैं अभी तक, इसको हम इधर मूव कराएंगे, इसको हम इधर मूव कराएंगे, तो यहाँ पर भी बनेगी एक 4 मेंबर रिंग और इस 4 मेंबर से रिंग से लगी हुई इधर एक 6 मेंबर रिंग। अब ये दोनों एच अंदर की साइड है, दोनों एच को हम दिखा देते हैं यहाँ पर नीचे, और इधर ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, कुछ जो भी होगा हमारा C3 होगा वो हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये तो बस कुछ नहीं है वैसे ही, ये इधर और ये वाला इधर, यहाँ पर बना 4 मेंबर रिंग, इन दोनों को ये इधर और ये इधर। तो
तो अभी तक हमने जितना एग्जांपल कर लिया है ये सब किया है और उसके बाद ये किया है, तो इसमें हर जगह बन रही है फोर मेंबर रिंग। लेकिन अभी ये एग्जांपल ऐसा है, इस यहाँ पर फोर मेंबर रिंग नहीं बनेगी। अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। ये इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इस वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे इसमें, या अपना जो है सभी अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेकर जाएं, यानी कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनी, ये यहाँ पर ये कार्बन और इस कार्बन पर यहाँ पर, और ये कार्बन यहाँ अपना ले गया, ये कार्बन ये अपना ले गया, ये हाइड्रोजन ले जाएगा, हाँ ये अपना ये इधर ले जाएगा और हाइड्रोजन वो उधर ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अगर बॉन्ड को हटाएं तो क्या होगा, अभी यहाँ पर ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये इससे बॉन्ड बनाएगा और ये इसे बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर एक नया बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। तो क्या बनेगा मैं आगे दिखाता हूँ, ये तो पहले हमारी ये सिक्स मेंबर रिंग है जो वो बन जाएगी, फिर इसके बाद ये लगा हुआ ये ग्रुप है, फिर इससे लगा हुआ, फिर अब ये जो हमारा यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ये वाला बना, फिर इससे लगा हुआ ये ग्रुप, फिर इससे लगा हुआ क्या है CO2ME, फिर इससे लगा हुआ इधर यच आ गया है ये। तो कुछ इस तरह के भी एग्जांपल हैं, पहले हमने देखा था कि उसमें फोर मेंबर रिंग बन रही थी, और इसमें हमने देखा कि फोर मेंबर रिंग नहीं बनी, ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। ये हो गई हमारी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब हम ये होती है फोटोकेमिकली अलाउड, लेकिन अभी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जो थर्मली अलाउड होती हैं, अभी हमें उसको देखना है। तो हम देखते हैं किलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसको हम देखेंगे। एक होती है कीटिन रिएक्शन, वो भी थर्मली अलाउड होती है, फोटोकेमिकली नहीं होती, वो भी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन वो होती है थर्मल कंडीशन में, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम देखते हैं किलियोट्रॉपिक रिएक्शन, वो भी होती है हमारी थर्मली अलाउड रिएक्शन। तो अब हम देख लेते हैं किलियोट्रॉपिक रिएक्शन। तो किलियोट्रॉपिक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से, वो क्या कहती है। तो किलियोट्रॉपिक रिएक्शन इन विच टू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म ऑन सेम एटम और टू सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन ऑन सेम एटम। तो इसमें क्या है, किलियोट्रॉपिक रिएक्शन किसी सेम एटम से बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, या फिर बॉन्ड वहाँ से ब्रेक करे, वहाँ से कोई बॉन्ड दो सेम एटम से ब्रेक हो, तो उसमें होती है किलियोट्रॉपिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो होती है वो थर्मली अलाउड, दिस रिएक्शन इज थर्मली अलाउड रिएक्शन। तो इसको हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल दे, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया पहला एग्जांपल हमारा, ये है, ये होती है हमारी थर्मल अलाउड रिएक्शन, यहाँ पर हम दिखाएंगे थर्मल कंडीशन में। तो इसकी डिफिनीशन के रिगार्डिंग, यहाँ पर सेम एटम से दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, या फिर उसी एटम, कोई सेम एटम हो उससे दो बॉन्ड ब्रेक हो, तो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो। तो अब इससे हम, ये सी एच टू है, इसके पास है लोन पेयर, अब इसके ये लोन पेयर अपना इधर बॉन्ड बनाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड जो घूम कर इसे इधर से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये एक पहले से है, मतलब ये एक बॉन्ड इधर बना हुआ, पहले मैं बना के चलता हूँ ये, अब एक बॉन्ड घूम कर नीचे आया यहाँ पर सी एच टू के पास, ये सी एच टू, ये घूम कर इधर आ गया, और इसने अपने लोन पेयर से इधर बॉन्ड बनाया था ये इस तरह से। तो यहाँ पर बनी है एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग, और यहाँ पर जो इससे ये ऊपर की साइड है CH3, और ये CH3 ये ऊपर की साइड है, इसे हम लिख देंगे ऊपर, और ये दोनों इससे नीचे की साइड है, तो इसे हम लिख देंगे नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ CH3, इधर भी, और दोनों नीचे की साइड क्या हो जाएगा हमारा H, ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा थर्मली अलाउड में, ये भी थर्मली अलाउड, इसके पास माइनस है, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, तो ये अपने इसे यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनेगा, ये वाला प्लस, ये जो प्लस है वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये वाला न्यूट्रल होगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, फिर से प्लस आ जाएगा, अब ये वाला बॉन्ड इधर मूव करे, फिर ये वाला बॉन्ड फिर से ये नाइट्रोजन ले ले, फिर नाइट्रोजन जब फिर से लेगा, नाइट्रोजन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये नाइट्रोजन है यहाँ पर सेम, जैसे यहाँ पर क्या लिखा था,
सेम एटम, तो ये एटम है, यहाँ से दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पे दो बॉन्ड इसी से बन रहा था, एक बॉन्ड इधर बना था और एक बॉन्ड दूसरा इसी से बना था। अब नाइट्रोजन है, यहाँ पर दो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड देखिए इधर घूम गया है, इससे ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड यही ले लिया है, तो इससे दोनों ये जो हुआ है सेम एटम से ही दोनों ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये बॉन्ड इधर मूव किया तो ये बन गया और ये इधर ये, और ये एन हो जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये एन इधर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो ये बैलेंस, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। तो हम देखते हैं अब अगला एग्जाम्पल हमारा, ये भी होगा थर्मली अलाउड। अब इसमें ये दिख रहा होगा कि ये डाइन है और ये डाइनोफाइल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसके पास है दो लोन पेयर, एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर होगी क्लियोट्रॉपिक रिएक्शन। ये अपना लोन पेयर देकर इधर इससे बॉन्ड बनाएगा, ये फिर इससे बनाएगा और इससे फिर ये बनाएगा। तो इसकी डिफिनेशन है कि अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, सेम एटम से यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पर ये रहा हमारा सल्फर, और इससे एक बॉन्ड बना, इधर एक बॉन्ड बना और एक बॉन्ड घूमकर यहाँ पर ये इधर वाला यहाँ पर आया और ये O2, ये O2 हम मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये हो गया। अब देखिए ये इससे ये जो CH3 लगा हुआ है ये बाहर की साइड, ये इधर लगा हुआ है और ये भी बाहर की साइड, तो ये दोनों ऊपर वाले जो हैं वो नीचे की साइड चले जाएंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में इसके जब दिखाएंगे ये दोनों नीचे की साइड, या फिर इसको दोनों को आप अबव भी दिखा सकते हैं, इन दोनों को आप और करके यहाँ पर लिख लें, इसको आप अबव दी अबव प्लेन भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। ये दोनों सेम है, बस इसमें अगर ये वाला कार्बन जो है वो अंदर की साइड हो जाएगा तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये SO2 होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा और एक अगर नीचे जा रहा है तो दूसरा वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में बस इतना ही फ़र्क आने वाला है। ये हो गए हमारे चार एग्जाम्पल, ये हो गए। अब हम देखते हैं अगला, तो अगले में क्या है, ये हमारा इसको हम देख लेते हैं, थर्मली अलाउड होता है ये तो पता है आपको। तो ये रहा ऑक्सीजन, अब हम इस बॉन्ड को इस साइड मूव करें और इस बॉन्ड को इस साइड, और ये वाला बॉन्ड फिर से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये तो सिक्स मेंबर पहले बनी रहेगी, ये सिक्स मेंबर हमारी ऐसे ही रहेगी और इधर ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर आ रहा है एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, और यहाँ से निकल रहा है SO2, ये हो जाएगा। अब इस SO2 के पास यहाँ पर है एक लोन पेयर, है ना, ठीक। तो अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन यहाँ तक हो गई, अब ये आगे भी हो सकती है, ये अपना लोन पेयर देकर इससे बॉन्ड बनाए, ये इधर घूमे और फिर ये इसे बॉन्ड बनाए, तो अब यहाँ पर देखेंगे आप क्लियोट्रॉपिक रिएक्शन आपको दिख रही है, सेम एटम से दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे अब जब आप दिखाएंगे इसको आगे की साइड, तो यहाँ पर ये सिक्स मेंबर रिंग तो रहेगी ही, ये सिक्स मेंबर ये रिंग रहेगी और इससे बन रहा है ये वन, ये टू, ये तो रहेगा और ये तीसरा, ये चौथा, देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक मैंने बना दिया और दो बॉन्ड का यहाँ से फॉर्मेशन, एक बॉन्ड का इधर, एक बॉन्ड का इधर, तो एक बॉन्ड इधर, यहाँ पर ये SO2 लगा दूँ और एक बॉन्ड इधर, यहाँ पर ये SO2 और यहाँ पर आ जाएगा एक बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला भी हमें वैसे ही यहाँ से पहले SO2 निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा और ये बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ये इस तरह से हो जाएगा और ये पीछे इस साइड इस तरह से, और यहाँ से SO2 निकल जाएगा। और अगर फिर इसे आप वापस, यहाँ पर मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया है, ये वापस यहाँ से वापस भी जा सकती है रिएक्शन, ये यहाँ पर ये बॉन्ड इधर घूमेगा और ये बॉन्ड यहाँ से वापस, तो यहाँ से ये जब ये वापस आएगा फिर से ये वही बन जाएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आपको डाइन की तरह दिख रहा है और ये हमारा डाइनोफाइल, इसको हम इस तरह से करा के 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर इस कार्बन के पास है दो लोन पेयर, दो नहीं एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर से यहाँ पर इसे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर होगी क्लियोट्रॉपिक रिएक्शन, यहाँ पर 4+2 नहीं होगी, यहाँ पर क्लियोट्रॉपिक रिएक्शन होगी, तो 1, 2, 3 और ये 4, इधर 5 मेंबर रिंग बन जाएगी
यहाँ पर सी ओ इधर से और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर ये आ रहा है, ये हो जाएगा। हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा और ये वैसे ही तो है, जिस इसके पास लोन पेयर है अपने लोन पेयर से इधर बॉन्ड बनाएगा और ये अपने लोन पेयर से इधर बॉन्ड बनाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड घूमकर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वन, ये इधर बन रहा है, दूसरा ये टू और ये बनेगा यहाँ पे थ्री। यहाँ पर थ्री मेंबर रिंग बनेगी, ये ऐसे बन गया। और यहाँ पर सी, यहाँ पर लगा हुआ दो आर, ये रहा आर, ये रहा आर। और इसके इधर दो ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी दो ग्रुप, तो हम दिखा देते हैं उसको ऐसे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कीलियोट्रॉपिक रिएक्शन। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।